आधार और पान कार्ड लिंक नहीं होने पर पान कार्ड सस्पेंड किया जाएगा। पान कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस अवधि से पहले आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक नहीं किया गया तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा पान कार्ड को सस्पेंड किया जाएगा। इसके कारण करदाताओं को 10,000 तक जुर्माना भी होगा। इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा की रकम जमा करने या उसकी खरीदी करने के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने सभी लेन देन पर नजर रखने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने पान कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड लिंक करने की घोषणा की है। पान कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने के लिए समय समय पर अवधि भी बढ़ाई गई है। 30 सितंबर आखिरी तारीख रखी गई है। अगर 30 सितंबर तक करदाता आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो करदाता का पान कार्ड नंबर ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसके कारण करदाता पान कार्ड का उपयोग किसी भी जगह नहीं कर पाएगा, जिसमें नया बैंक खाता नहीं खोल पाएगा, 50,000 से ज्यादा नकदी बैंक में जमा नहीं कर सकेगा, 50,000 से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकेगा, TDS की कटौती सीधे 29% हो जाएगी, बैंक से होने वाले सभी लेन देन पर रोक लगेगी, शेयर बाजार में किए जाने वाला निवेश भी नहीं कर सकेंगे। अगर अब दोबारा पान कार्ड कार्यरत करेंगे तब 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।